राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भोपाल में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर ली गई है। एमपी सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगवानी करेंगे। राजभवन में मंत्री विश्वास सारंग इन वेटिंग मौजूद रहेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में मंत्री रामकिशोर कावरे रहेंगे इन वेटिंग रहेंगे। इसके अलावा नेहरू स्टेडियम में मंत्री प्रभुराम चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है। उज्जैन दौरे के लिए हेलीपैड पर मंत्री मोहन यादव रहेंगे। तमाम मंत्रियों की ड्यूटी यहां पर लगाई गई है। कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में भी ड्यूटी लगाई गई है। नेहरू स्टेडियम में मंत्री प्रभुराम चौधरी को जिम्मा दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। तैयारियां तेज कर दी जा रही है और अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग जगहों पर जिम्मेदारी दी गई है प्रोटोकॉल के तहत। रुकड़ी के सहयोगी अमितांशी जोशी का एक बार फिर। अमितांशी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का मध्य प्रदेश दौरा, क्या कुछ तैयारी सरकार के द्वारा? सरकार पूरी तरीके से तैयारियों में लग गई है क्योंकि राष्ट्रपति का जो ये 3 दिन का दौरा है हम इसको काफ़ी अहम कह सकते हैं। और राष्ट्रपति जो हैं वो सबसे पहले भोपाल आएंगे और उनके पूरे दौरे को लेकर एक प्रोटोकॉल के तहत मिनिस्टर इन वेटिंग को नामांकित कर दिया गया है। सबसे पहली खास बात मैं आपको बताऊँ कि जब राष्ट्रपति भोपाल आएंगे तो यहाँ पर स्टेट हैंगर पर उनका स्वागत करने की जिम्मेदारी भोपाल के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह को दी गई है, जो कि विमानतल पर उनका स्वागत करेंगे। साथ ही राजभवन में अगर मिनिस्टर इन वेटिंग की बात करें तो मंत्री विश्वास सारंग जहाँ वो राज्यपाल से मुलाकात पहुंचेंगे राष्ट्रपति, वहां पर मंत्री विश्वास सारंग इन वेटिंग उनके स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कुशाभाऊ ठाकरे में जो खास कार्यक्रम होने वाला है, कुशाभाऊ ठाकरे के कार्यक्रम में राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे उनको ये खास जिम्मेदारी दी गई है जो कि राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे। वहीं मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में प्रभुराम चौधरी उनकी अगवानी के लिए मौजूद रहेंगे। दूसरा दिन जब वो उज्जैन जाने वाले हैं तो उज्जैन के विमानतल पर भी वहां पर खास तैयारी है। जो उज्जैन के प्रभारी मंत्री उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव है वो वहां पर राष्ट्रपति की तैयारी के लिए बिल्कुल अटल रहेंगे, हम कह सकते हैं विमानतल पर। उसके बाद जब राष्ट्रपति के दौरे में जो प्रस्तावित है कि वो महाकाल मंदिर के दर्शन करेंगे तो महाकाल मंदिर में उनके स्वागत की तैयारी के लिए पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर मौजूद रहेंगी। उसके बाद राष्ट्रपति का उज्जैन के बाद इंदौर दौरा भी है। इंदौर में विमानतल पर उनके स्वागत के लिए जो जल संसाधन मंत्री है और इंदौर के प्रभारी हम कह सकते हैं तुलसी सिलावट जो है वहां पर इंदौर में जल संसाधन मंत्री, वो वहां पर उनके स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे। देखिए राष्ट्रपति की तैयारियां जो है दौरे की वो पूरी हो चुकी है। यहाँ पर मिनिस्टर इन वेटिंग को भी नामांकित कर दिया गया है क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रोटोकॉल होता है कि कौन होगा जो महामहिम के स्वागत के लिए खड़ा रहेगा, उनकी तैयारियों में जुटा रहेगा। तो यहाँ पर 7 मिनिस्टर इन वेटिंग नामांकित कर दिए गए हैं और अब तैयारियां बहुत तेज हो चुकी है। राष्ट्रपति का मध्य प्रदेश का दौरा और तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई।